देखिए, बैलेंस ऑफ इनकन्वीनियंस मैंने बता दिया कि क्या है कि हम प्लेंटिफ को जो रिलीफ देंगे वो रिलीफ इतना होना चाहिए कि जो कि डिफेंडेंट के ऊपर पेनल्टी हो वो ज़्यादा ना हो जाए। मिसाल के तौर पे आपको प्लेंटिफ को जो नुकसान हुआ है, जिसे मुकदमा किया है, वो 1 रुपए का है। हमने जो डिफेंडेंट पे जो हमने चार्ज जो उस पर पेनल्टी लगाई है वो 1,000 रुपए की लगा दी है, ऐसा नहीं हो सकता ना। तो जैसे मिसाल के तौर पर आतिफ असलम है, वो 2 लाख रुपए पे हमने कहा था तुम गाना गाओ, वो हमारे लिए 2 लाख रुपए में गाना गा रहा है, ठीक है। अब उसको कॉन्ट्रैक्ट मिल गया अमेरिका में 1 करोड़ का, अब वो एक वो गाना गा रहा है 1 करोड़ में। अब हम उसे रोक रहे हैं कि नहीं तुम यहाँ गाना गाओ, और हमें अली ज़फ़र की शक्ल में एक अच्छा सिंगर हमारे पास ऑल्टरनेट है, पब्लिक भी उसे पसंद कर रही है, तो हम जाके इंजंक्शन लेंगे तो जज ये देखिएगा कि भाई इसका नुकसान कितना हो रहा है। तो वो कहेगा भाई देखिए आप आतिफ असलम नहीं गा रहा, आतिफ असलम की बजाय आप अली ज़फ़र से कहें गाना गा ले, आतिफ असलम को जाने दें, उसे 1 करोड़ का लॉस है, बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा उसको। 2 लाख रुपए में अगर आपके गाना गाएगा 98 लैक्स का लॉस हो जाएगा उसको, उसको जाने दीजिए, आप दूसरा ऑल्टरनेट कर लीजिए। अली ज़फ़र कितने मांग रहा है? आपने कहा अली ज़फ़र 2.5 लाख मांग रहा है, वो कहेगा आतिफ असलम से 50,000 रुपये इनको दे दो, तुमने 2 लाख में बात की थी, अब उन ये लोग तुम्हें इनको 2 लाख देने थे, अब इनको 2.5 लाख देने पड़ रहे हैं, तो आतिफ असलम जो है 50,000 रुपये दे देगा और बाहर चला जाएगा और जाके गाना गा लेगा अमरीका में, ठीक है ना। ओके।